क्रेड मेरे फोन में इंस्टॉल रहेगा ही, मतलब वो मैं अनइंस्टॉल तो नहीं करने वाला हूँ। क्रेड से आज तक मैंने सिर्फ यही मंगाया है। वैसे ये सब बेच के पिछले साल क्रेड का रेवेन्यू तो 80 करोड़ का था, पर आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार लॉसेस इसका 6 गुना यानी 523 करोड़ से भी ज़्यादा था। तो भैया ये क्रेड कर क्या रहा है, जानेंगे इस वीडियो में कि यार क्रेड का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वो कभी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, कैसे कुणाल शाह शाहरुख खान ऑफ स्टार्टअप इंडस्ट्री है, और एंड में कुछ बिजनेस लेसन भी डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप भी अपना स्टार्टअप को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखना, जल्दी से वीडियो शुरू कर देते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप्स की फंडिंग कम हो रही है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द यूनिकॉर्न्स जैसे अनअकैडमी, वेदांतु, कार्स 24, ये सब अपने एम्प्लॉयज भी फायर कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ कुणाल शाह के क्रेड ने अभी अपने सीरीज एफ राउंड में $140 मिलियन की फंडिंग रेज कर ली $6.4 बिलियन के वैल्यूएशन पे। तो बेसिकली कुणाल शाह कौन सा गेम खेल रहे हैं कि यार उनकी फंडिंग बिल्कुल भी नहीं रुकती। तो इसके पीछे मेन रीज़न है कि यार कुणाल शाह जैसे अपने स्टार्टअप को पिच करते हैं, तो यूजुअली होता क्या है कि जब भी कोई स्टार्टअप इंडियन मार्केट को टारगेट करता है वो बोलते हैं कि 140 करोड़ के पॉपुलेशन है, 70 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है जो कि 2025 तक 100 करोड़ लोग तक पहुंच जाएगा, तो हमारा टारगेट मार्केट 100 करोड़ का है और इसका हमने अगर आधा मार्केट भी कैप्चर कर लिया यानी 50 करोड़ लोग और इनसे ऑन एवरेज साल का 100 रुपये भी लिया तो साल में 5000 करोड़ रुपये कमा लेंगे। पर कुणाल शाह ने जब अपना पिछला स्टार्टअप फ्रीचार्ज चलाया उनको समझ आ गया कि इंडिया में मार्केट तो बहुत बड़ा है बट लोगों के पास पेइंग पावर बहुत कम है, और ये हमारे इनकम टैक्स का डेटा भी बताता है जिसमें 43 लाख ही ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी साल के 10 लाख से ज़्यादा है और 90 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, करीब 4.8 करोड़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 5 लाख से कम है। अब यार इंडिया में 100 यूनिकॉर्न तो बन गए हैं पर ये जो कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट हो, नेटफ्लिक्स हो, ये सारी चीज़ें हो, इसके लिए आपकी साल की सैलरी 2.5 लाख से ज़्यादा यानी महीने की 20,000 से तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, तभी वो अपना रेंट, खाना, कपड़े, एजुकेशन और हेल्थ के बाद आपके पास कुछ पैसे बचेंगे इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप मान लो कि यार आधे लोग जिनकी सैलरी 2.5 लाख से ज़्यादा है वो इनकम टैक्स भरते ही नहीं है, तब भी एट द मैक्स 10 करोड़ ही तो ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो एक्चुअल में जो टारगेट मार्केट है वो तो यही 10 करोड़ लोग हैं क्योंकि यही आपके स्टार्टअप पे पैसे खर्च कर सकते हैं, तो एक्चुअल में हमको प्रोडक्ट भी इन्हीं लोगों के लिए बनाना चाहिए क्योंकि इसी से हम कमा सकते हैं। ये कुणाल शाह काफ़ी अच्छे से समझ गए थे और इन लोगों को चूज़ करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि यार जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं जिनका सिबिल स्कोर 750 से ज़्यादा है उनका क्यों ना हम एक कम्युनिटी यानी क्लब बना दें। अब 750 से ज़्यादा जिनका सिबिल स्कोर है इसका मतलब ये क्या है, इन्होंने पहले लोन लिया है और टाइम से ये लोन लौटा भी देते हैं और क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जिनकी ठीक ठाक सैलरी होती है, तो सारा बैकग्राउंड चेक ऑलरेडी जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज है वो कर चुकी हैं, तो इस वजह से इनकी टारगेट ऑडियंस सिर्फ 35 मिलियन यानी 3.5 करोड़ लोगों की होती है। अब क्रेड कैसे प्रॉफिटेबल होगा जानने से पहले हमें जानना है कि यानी क्रेड करता क्या है। अब क्रेड के थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स पे कर सकते हो जिसके बदले आपको क्रेड कॉइन्स मिलते हैं जो कि आप यूज़ करके दूसरी चीज़ों पे डिस्काउंट या कैशबैक पा सकते हो। ये तो ओवरऑल पर्पस हो गया, बट क्रेड ने इसके बाद कई और सारी चीज़ें भी लॉन्च कर रखी है जैसे कि क्रेड कॉमर्स जिसमें कई सारे D2C ब्रांड्स हैं जो कि अपना प्रोडक्ट्स क्रेड के स्टोर पे बेचते हैं, पर क्रेड अभी इन D2C कंपनीज से कोई भी कमीशन नहीं ले रहा है, तो तभी आप देखेंगे कि यार इतनी सारी कंपनीज उनके प्लेटफॉर्म में लिस्टेड हैं और मान लो बाद में आके वो कमीशन लेता भी है तो 10-20% ही कमीशन लेगा, उसमें ज़्यादा बड़ा बिजनेस थोड़ी बन पाएगा नहीं। और ऊपर से ये क्रेड कॉमर्स की दुकान में आपको 500 रुपए की चॉकलेट, 1000 रुपए की काजू और 1-1.5 लाख के वेकेशंस मिलते हैं जिसमें तो सही में आपको FD तोड़नी पड़ेगी, और ज्यादा लोग ये क्रेड स्टोर से सामान खरीदते भी नहीं है क्योंकि लोगों का मानना है कि यार ये जो चीजें हैं ये तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस के मिल जाएंगे और वहां पे तो 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएगा। क्रेड का डिलीवरी टाइम 8 दिन होता है, अमेजोन पे 1 डे डिलीवरी होती है, इनफैक्ट इसको भी डिलीवर होने में 10 दिन लग गए थे, तो भैया अमेजोन से ही ऑर्डर कर लो। तो फिर आप बोलेंगे भैया ये क्रेड पैसे कमा कहाँ से रहा है, जो पिछले साल 88 करोड़ का रेवेन्यू क्रेड ने कमाया उसमें से 40% यानी करीब 35 करोड़ क्रेड ने अपने क्रेड कैश से कमाया। अब ये क्रेड कैश क्या होता है, इन सिंपलर वर्ड्स बताऊं तो लाइक क्रेडिट लाइन है, इंस्टेंट क्रेडिट लाइन। और आपको कितना लिमिट मिला है इसमें? मेरा लिमिट है 1,38,000। इसका मतलब जब आपको जरूरत होती है आप जो 1,38,000 मतलब कुछ भी 1,38,000 मैक्सिमम तक ये पैसे आपके बैंक में ट्रांसफर कर देता है। मतलब ये है कि मेरी नीड के हिसाब से, अगर मेरे पास 20,000 चाहिए तो 20,000, 40 चाहिए तो 40, अगर 138 पूरा भी चाहिए तो पूरा भी आ जाएगा एक साथ, एज कम्पेयर
टू क्रेडिट कार्ड, कम प्रोसेसिंग फीस, कम चार्जेस, कम इंटरेस्ट चार्जेस लगते हैं आपके बैंक अकाउंट में पैसा लाने के लिए। एंड देन उसके बाद आप उसे कहीं भी यूज करो, उसके बाद इंटरेस्ट रेट का 17% पर एनम। क्रेडिट कैश इसीलिए मोस्टली यूज कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है और जैसे कि आपने बोला काफी फास्ट ट्रांसफर कर देता है आपको इसको। हाँ, विदिन मतलब जैसे आपने रिक्वेस्ट डाला विदिन नेक्स्ट 1 मिनट आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जो भी उससे वो अटैच होगा अकाउंट, जो भी मतलब लिंक होगा अकाउंट उसमें पैसा आ जाएगा। पर आप बोलेंगे भैया 17% इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों देना है, बैंक से लोन ले लो। तो पहली बात, बैंक यूजुअली स्पेसिफिक चीजें जैसे घर, गाड़ी, इन सारी चीजों के लिए लोन देती है, और अगर आपको पर्सनल लोन भी लेना हो तब आपको कोलैटरल दिखाना पड़ता है, फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, तब वो डिसाइड करेंगे कि आपको देना है कि नहीं। और मोस्टली जिन लोगों को लोन चाहिए होता है उनके लिए रिजेक्ट भी हो जाता है, नहीं तो काफ़ी डिले भी हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो और 1 महीने बाद पूरा बिल ना देके सिर्फ मिनिमम अमाउंट ड्यू दो। पर इसमें दिक्कत है कि यार क्रेडिट कार्ड क्योंकि आपको अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है, मतलब बिना कोलैटरल के लोन ले रहा है, जिसमें क्रेडिट कार्ड कंपनी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, तो वो आपसे 36 से लेकर 50% तक का इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट को समझ आ गया यार क्योंकि हमारे प्रीमियम यूजर्स हैं, इनका क्रेडिट कार्ड स्कोर अच्छा है, मतलब ये टाइम से पैसा लौटा देते हैं, तो हम इनको कम इंटरेस्ट रेट में लोन दे सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मांगते, फट से जितनी आपकी लिमिट है और जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना आप पैसा डायरेक्टली आपके बैंक में ट्रांसफर कर देते हैं, और इंटरेस्ट भी 15 से 17% ही लगता है। अब ये चीज़ इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि करीब 3 लाख क्रेडिट कैश के यूजर्स हैं, और यही रीज़न है कि क्रेडिट अपने यूजर्स को 5,000 करोड़ प्लस के लोन्स दे चुका है। पर यहाँ पे एक दिक्कत है क्योंकि क्रेडिट खुद से लोन नहीं दे पाता है, तो इसीलिए उन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ टाइप किया है और उनके थ्रू वो लोन प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि एक्चुअल में रिस्क तो सारा IDFC फर्स्ट बैंक का है, तो इसीलिए क्रेडिट को सिर्फ 1 से 2% कमीशन मिल पाता है। अब इनके 1% लोन्स यानी करीब 50 करोड़ रुपए तक के लोन्स ही NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, मतलब वो पैसे लौटा नहीं पाते, ओवरऑल सब पैसे लौटा देते हैं। पर यार अगर आप 5,000 करोड़ में ये NPA और सारा फीस भी हटा लो, क्रेडिट के पास तो वही 35-40 करोड़ ही बचा ना, तो ये काफ़ी दिक्कत की बात है क्योंकि क्रेडिट के काफ़ी प्रीमियम कस्टमर्स हैं जिनके नंबर इंडिया में बहुत कम है। तो ओवरऑल कल को अगर क्रेडिट के यूजर्स भी बढ़ते हैं तो मैक्सिमम वो 8-10 करोड़ के ही लोन्स दे पाएंगे, और उसमें भी अगर उनको वही 1% ही कमाना है तो 100 करोड़ का बिजनेस बनेगा, उसके लिए कोई उनको $6.4 बिलियन का तो वैल्यूएशन देगा नहीं। अब ये बात कुणाल झा को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया, तो उन्होंने एक और कंपनी न्यू टैप टेक्नोलॉजीज रजिस्टर करके उनके अंडर पारफे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट को खरीद लिया, जो कि एक NBFC है। इसका मतलब अब वो खुद से लोन दे पाएंगे, मतलब रिस्क उनके अंडर भी आ जाएगा, पर इससे फ़ायदा ये होगा कि यार पहले जो उनको 1 से 2% का कमीशन मिलता था, अब क्योंकि वो लोन ही खुद दे रहे हैं 10 से 12% तक का कमीशन मिल जाएगा। तो मतलब 10,000 करोड़ के टोटल लोन में 1,000 करोड़ का उनका सीधा रेवेन्यू आ जाएगा। रिस्क है तो रिस्क है। अब आप बोलेंगे कि हाँ यार 1,000 करोड़ काफ़ी बड़ा नंबर होता है, पर यार आजकल हर एक फिनटेक स्टार्टअप लोन दे रहा है, तो फिर सिर्फ क्रेडिट इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूबल फिनटेक स्टार्टअप कैसे बना? तो एक्चुअल में इसका मेन रीज़न है जो कि कुणाल झा का भी कहना है कि यार क्रेडिट एक्चुअली एक फिनटेक नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल स्टार्टअप है। तो इसका मतलब ये है कि यार इन्होंने एक प्रीमियम कम्युनिटी ऑफ यूजर्स बनाया है और उनको ये डिफरेंट सर्विसेज देते हैं। तो आज वो लोन दे रहे हैं, कल को वो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे और आगे वेल्थ मैनेजमेंट और स्टॉक इन्वेस्टिंग वाले ऑप्शंस भी प्रोवाइड करेंगे। अब इसके लिए एक्चुअल में उन्होंने विंट वेल्थ को खरीदने की भी कोशिश करी, वो डील सक्सेसफुल हो नहीं पाई, फिर डाइनआउट को भी खरीदने की कोशिश करी, उनको स्विगी ने खरीद लिया, पर अब रिपोर्ट आ रही है कि यार वो स्मॉल केस को खरीदें जो कि स्टॉक इन्वेस्टिंग में मदद करता ही है, और कुणाल शाह ने उसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट पहले से कर रखा है। क्रेडिट ये सब खुद क्यों नहीं बना लेता? अब यार दिक्कत ये है ना कि यार ये सब बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा और सारे परमिशन लेने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा क्रेडिट का जो फोकस है वो ये कि यार अभी जो लोग महीने में 1-2 बार उनका ऐप यूज़ करते हैं वो ज़्यादा बार यूज़ करें, इसलिए उन्होंने क्रेडिट पे भी निकाला है, जिसमें आप जो डिफरेंट ऐप्स जैसे अर्बन कंपनी हो गया या इंश्योर का ऐप है, वहाँ पे आप क्रेडिट पे के थ्रू क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक चेन्नई बेस्ड अल्कोहल डिलीवरी स्टार्टअप हिब्बार को भी अक्वायर किया है। आप बोलेंगे कि भैया आप अल्कोहल भी डिलीवर करेंगे प्रीमियम कस्टमर्स को, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे, पर एक्चुअल में हिब्बार के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का लाइसेंस था, जिससे क्रेडिट अपना मोबाइल वॉलेट का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और इनफैक्ट अभी आप देखेंगे जो क्रेडिट में जो कैशबैक मिलता है वो पहले आपके डायरेक्ट बैंक बैलेंस में आ जाता था, अब वो क्रेडिट के वॉलेट में ही रहता है। इससे आप क्रेडिट को ज़्यादा बार यूज़ करेंगे क्योंकि आपको वो कैशबैक यूज़ करना है।
तो ओवरऑल फंडा सिंपल है कि यार इन्होंने एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी बनाई है और उनको जैसे कि लाइफस्टाइल ब्रांड होता है, चाहे वो प्यूमा हो, H&M हो, बोट हो, वो डिफरेंट चीज़ें बनाती है। जैसे लोग प्यूमा के ड्यू भी लेते हैं, जबकि प्यूमा तो नॉर्मली स्पोर्ट्स वेयर के लिए जानी जाती है, क्योंकि उन्होंने एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाया। वैसी क्रेड का भी एम है कि यार वो इतनी बढ़िया ब्रांडिंग और यूज़र एक्सपीरियंस दे कि लोग स्पेशल फील करें, और जो कि कॉपी नहीं हो सकता। इसलिए आप देखोगे कि यार क्रेड का जो ऐप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, अलग ही यूज़र एक्सपीरियंस है, जो कि या तो आप हेट कर सकते हो या लाइक कर सकते हो, पर इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते हो। इसका इंटरफेस काफी क्लीन है, जैसे लगता है कि सभी चीजों को एक साथ मिक्सअप नहीं कर दिया, काफी सेपरेट सेपरेट चीजें हैं। रेड में कुछ अलग लगा मुझे, उसकी डिजाइन अच्छी है ऐप की, ना वो समझा नहीं सकता, पर वैसे इनके एड्स होते हैं बहुत यूनिक एड्स है, जिसमें ये अपने प्रोडक्ट का ज्यादा प्रमोशन नहीं करते, बट ऐसे फन एलिमेंट लेके आते हैं जिससे क्यूरियोसिटी बिल्ड हो। और यही कुणाल शाह का कहना है कि यार उनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि मार्केट में जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो इतनी आसानी से नहीं कर पाए। और इसमें उन्होंने शाहरुख खान का भी एग्जांपल दिया कि जब शाहरुख खान मार्केट में आए, वो शुरुआत में हीरो के रोल्स नहीं कर रहे थे, वो एंटी हीरो यानी विलन का रोल कर रहे थे। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं, विकी चिल्लाओ मत, क्योंकि उनको पता था कोई भी हीरो विलन का रोल तो करेगा नहीं। मुझे माफ कर देना। और इससे इन्होंने अपना USP बिल्ड किया। वैसे क्रेड अपने इनोवेटिव मार्केटिंग और ब्रांडिंग से एक अपना अलग आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप क्रेड के ऐप स्टोर में उनका डिस्क्रिप्शन देखोगे, वहाँ पे भी उन्होंने अपने एक एम्प्लॉय की तारीफ करी जिसकी रिसेंटली डेथ हो गई थी। बताओ कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए इतना करती है? पर क्रेड है, वो हर चीज़ डिफरेंट करते ही है। इनफैक्ट क्रेड में तो यार आपको सैलरी महीने के एंड में नहीं, महीने के शुरू में मिल जाती है। तो ये सारी डिफरेंट चीज़ें करने का पर्पज सिर्फ एक ही है कि आप अपने दोस्तों के बीच क्रेड को डिस्कस करो, यानी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग काफ़ी अच्छी हो। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यार शाहरुख खान दो एक्टर हैं, बट एक्चुअल में वो पैसे अपने दूसरे बिजनेसेस, चाहे प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट हो, या VFX कंपनी हो, या फिर IPL की इतनी सारी टीम्स हो, उनके थ्रू कमाते हैं। वैसे क्रेड जो कि शुरुआत में तो जाना जाता था कि आप क्रेडिट कार्ड के बिल्स अपने पे कर सकते हो, पर एक्चुअल में उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस खोल लिए, चाहे वो लेंडिंग का हो, या D2C e-commerce ब्रांड डिस्कवरी का हो, या क्रेड मिंट, क्रेड पे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें अब आ रही है मार्केट में। और यही रीज़न है कि जबकि दूसरे स्टार्टअप्स को फंडिंग उठाने में दिक्कत आ रही है, क्रेड अपनी जबरदस्त फंडिंग रेज कर पा रहा है। तो ओवरऑल इस केस स्टडी से हमको चार मेन चीज़ें सीखने को मिलती है। पहला, अपना एक्चुअल टारगेट मार्केट सेट करो, यानी कि बस बोलने के लिए बोल दो कि भैया 100 करोड़ लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। दूसरा, पहले एक सिंपल प्रॉब्लम पकड़ो, बट उसको इतने अच्छे से सॉल्व करो कि कस्टमर उस प्रॉब्लम के लिए सिर्फ आपके पास आए, जिसमें क्रेडिट ने आपका क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट प्रोसीजर इतना आसान बना दिया है। तीसरा ये कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाओ, ताकि आपका एक लॉयल कस्टमर बेस हो जो कि आपका वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करे, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जितना इफेक्टिव होता है उतना इफेक्टिव पेड मार्केटिंग नहीं होता। और चौथा ये कि अपने आपको कॉम्पिटिशन से डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करो जो कि दूसरे लोग इतनी आसानी से कॉपी ना कर पाए और आपकी एक अलग आइडेंटिटी बन पाए। अब सवाल ये कि यार क्रेड इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल फिनटेक स्टार्टअप तो है, पर क्या वो इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप जो कि रेजर पे है, जिनका वैल्यूएशन अभी $7.5 billion है, उसको क्रॉस कर सकता है? और क्या क्रेड एक्चुअल में प्रॉफिटेबल हो पाएगा? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।